Public servants, and our today's concern section is the section number 161 that is written on the board. You can see here. My humble advice is to you that during watching my lecture, you should keep your BBC book with you so you can read the lecture, or you can listen to the lecture and read the section from the law book. So let's start the section number 161. Please open your books. Section number 161 says that public servant taking gratification other than legal remuneration in respect to an official act. पहले तो आप देखेंगे कि चैप्टर नंबर 9 का नाम जो है उससे ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस चैप्टर में आगे किस हवाले पे बात होने वाली है. तो है ऑफ ऑफेंसेस, उन जराइम के हवाले से, बाय और रिलेटिंग टू, जो कि किसी भी तरीके से एक सरकारी अफसर से मुतालिक हैं. पब्लिक सर्वेंट, सरकारी अफसर भी आप इसको कह सकते हैं और सरकारी मुलाजिम भी यहां पर कहा जा सकता है. हर वो शख्स जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का मुलाजिम होगा और अगर वो कोई जुर्म करता है तो वो उस इस चैप्टर ऑफ पीपीसी के नीचे उसको हैंडल किया जाएगा. 161 ये कहता है कि अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट अपनी सरकारी तौर पर, कानूनी तौर पर दी जाने वाली तनख्वाह के अलावा, यूं तो रिमुनरेशन तनख्वाह मुआवजा एवज बदल को कहते हैं, लेकिन नीचे इसी सेक्शन के आखिर में रिमुनरेशन और ग्रेटिफिकेशन के अल्फाज को डिटेल से बयान किया गया है. तो पब्लिक सर्वेंट टेकिंग ग्रेटिफिकेशन, ग्रेटिफिकेशन से मुराद हर वो मुआवजा जो के कानूनन दिए जाने वाले मुआवजे के अलावा. Public servant taking gratification other than the legal remuneration in respect to an official act. जब कोई सरकारी मुलाजिम किसी जगह पर भेजा जाता है, किसी काम के लिए उसको हायर किया जाता है, रखा जाता है, डिप्लॉय किया जाता है, तो उसके उस दफ्तर में, उसके उस फराज मनसबी में कुछ जिम्मेदारियां हवाला की जाती हैं. उन जिम्मेदारियों के एवज में उसको सरकार मुआवजा देती है, जिसको तनख्वाह कहते हैं. तो अगर वो सरकारी कामों को करने के लिए अपनी तनख्वाह के अलावा कुछ लेगा तो फिर क्या होगा? Whoever be, जो कोई भी होते हुए, और expecting to be a public servant, या फिर उसको उम्मीद हो कि आने वाले चंद दिनों में वो एक सरकारी मुलाजिम बन जाएगा, accepts, कबूल कर लेता है और obtains, या फिर वसूल करता है और एग्रीज, या फिर राजी हो जाता है टू एक्सेप्ट, वसूल करने पर. तो जो कोई भी वसूल करता है, हासिल करता है, या वसूल करने पे राजी हो जाता है, और अटेम्प्ट्स, या फिर वसूल करने की कोशिश करता है, टू ऑब्टेन फ्रॉम एनी पर्सन, किसी भी शख्स से. अब किसी भी शख्स, जिस शख्स से लिया जा रहा है, क्या लिया जा रहा है? वो मुआवजा जो कि सरकारी काम के लिए, सरकारी तनख्वाह के अलावा है. एनी पर्सन कोई शख्स नहीं हो सकता है, यही वो मुआवजा देने वाला एक सरकारी मुलाजिम भी हो सकता है और गैर सरकारी मुलाजिम भी हो सकता है. फॉर हिमसेल्फ, अपने आप के लिए. अब ये वसूल को निता की बात हो रही है. द पर्सन हु एक्सेप्ट द ग्रेटिफिकेशन, तो अपने लिए ले रहा है, और फॉर एनी अदर पर्सन, या फिर अपने अलावा किसी दूसरे शख्स के लिए ले रहा है. अब अपने अलावा जिस दूसरे शख्स के लिए ले रहा है, वो भी कोई सरकारी मुलाजिम हो सकता है या नहीं भी हो सकता. एनी ग्रेटिफिकेशन वॉट एवर, किसी भी तरीके से कोई ग्रेटिफिकेशन, और ग्रेटिफिकेशन हर वो मुआवजा जो कि तनख्वाह के अलावा हो सरकारी कामों के लिए, क्योंकि सरकारी कामों के लिए तो वो क्या ले रहा है? तनख्वाह ले रहा है, रेमुनरेशन ले रहा है. अदर देन लीगल रेम्यूनरेशन, अपनी उस सरकारी कानूनी तनख्वाह के अलावा, एज अ मोटिव और रिवॉर्ड, किसी मकसद के तहत या किसी काम के बदले के एवज, और फॉर बियरिंग टू डू एनी ऑफिशियल एक्ट, कि मैं इसके बदले में आपके लिए कोई सरकारी काम करूंगा, और फॉर शोइंग, और फॉर बियरिंग टू शो, या फिर वो दिखा रहा है
कि मैं आपके लिए इस मुआवजे के बदल में कोई ऐसा सरकारी काम करूंगा जिसके लिए मुझे तनख्वाह मिल रही है, इन एक्सरसाइज ऑफ हिज ऑफिशियल फंक्शन, और जो काम करने वाला है उस काम को करने के लिए ही सरकार ने उसको मुकर्रर किया हुआ है और उस काम को करने की सरकार उसको तनख्वाह दे रही है, जिसको कि लीगल रिमुनरेशन कहा जा रहा है। उसके अलावा मजीद किसी से किसी किस्म की कोई ग्रेटिफिकेशन एक्सेप्ट करना, किसके जरिए एक्सेप्ट करना, उस पब्लिक सर्वेंट के जरिए एक्सेप्ट करना, फेवर और डिसफेवर, हाँ इसमें किसी के लिए जानबदारी करना या किसी के लिए गैर जानबदार हो जाना किसी खास सूरत में, टू एनी पर्सन और फॉर रेंडरिंग और अटेम्प्ट टू रेंडर एनी सर्विस और डिसर्विस टू एनी पर्सन, या फिर किसी शख्स को कोई खास किस्म की खिदमत देना या किसी शख्स को किसी खास किस्म की खिदमत फराहम करने से इनकार कर देना। With the federal or any provincial government or legislature or with any public servant, तो चाहे ये काम किसी विफाकी हुकूमत के हवाले से हो, किसी सूबाई हुकूमत के हवाले से हो, मुकन्नना के हवाले से हो, या फिर किसी भी सरकारी मुलाजिम के हवाले से हो, as such जैसे भी वो सूरत हाल होगी तो इस शख्स को सजा मिलेगी। कितनी सजा मिलेगी, इसी 161 में आगे बयान शुदा है, shall be punished with the imprisonment of either description। मैं मुतअद्दिद बार आपको either description समझा चुका हूं कि either description में सिंपल इंप्रिजनमेंट भी आ सकती है और रिग्रेस भी आ सकती है। सिंपल इंप्रिजनमेंट कहते हैं आम कैद को और रिग्रेस इंप्रिजनमेंट कहते हैं कैद पर मुशक्कत। तो ऐसे शख्स को हर दो तरह में से किसी भी तरह की सजा दी जा सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द कोर्ट विल यूज इट्स ऑन डिस्क्रेशन फॉर अ टर्म, एक मुद्दत के लिए, कितनी मुद्दत के लिए, विच मे एक्सटेंड टू 3 years, जिसकी ज्यादा से ज्यादा मकदार 3 साल तक हो सकती है। तो याद रखिएगा जी, सेंटेंस की अपर लिमिट बयान की गई है, लोअर लिमिट नहीं बयान की गई। तो दैट कैन बी स्टार्ट फ्रॉम द सिंगल डे अप टू 3 years। जी, डज इट इंक्लूड मेंबर्स प्रोविंशियल और फेडरल असेंबली? नहीं, असेंबली के हवाले से यहाँ पर नहीं लिखा हुआ। लेजिस्लेचर सर? जी, लेजिस्लेचर को मतलब कानून साज असेंबलियों को कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर हवाला दिया जा रहा है कि जो ग्रेटिफिकेशन ली गई किस हवाले से ली गई, किस सरकारी मुलाजिम में ली गई, उसकी सर्विस की नौयत क्या थी, क्या वो सरकारी जो अफसर था वो सूबाई अफसर था या वो विफाकी अफसर था या वो मुकर्रना के हवाले से काम कर रहा था। ठीक है बाबू भाई। अच्छा, ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू 3 years और विद फाइन और विद बोथ, तो ऐसे शख्स को 3 साल तक की कैद की सजा दी जा सकती है या फिर उसको जुर्माने की सजा दी जा सकती है या फिर उसको कैद और जुर्माना दोनों इकट्ठे दिए जा सकते हैं। एक्सप्लेनेशन याद रखिएगा जी कि हर सेक्शन के बाद, हर सेक्शन के बाद नहीं लेकिन मोस्टली सेक्शंस के बाद वर्ड एक्सप्लेनेशन लिखा होता है। एक्सप्लेनेशन को उर्दू में तौज़ीह कहते हैं और यहाँ पर लॉ मेकर्स को, लेजिस्लेचर को, कॉन्सेप्ट असेंबली को ऐसा लगता है कि ऊपर बयान किए गए सेक्शन में कोई वर्ड कोई फ्रेज ऐसा डिफिकल्ट है या उसके एग्जैक्ट मीनिंग पब्लिक एट लार्ज वो नहीं निकाल सकते जो कि इस सेक्शन का एसेंस है, तो उसको नीचे डिटेल से बयान किया जाता है। तो आइए देखिए इसमें क्या ऐसा मुश्किल लफ्ज था या प्रेस थी जो कि लेजिस्लेचर ने बयान की है। तो यह है एक्सपेक्टिंग टू बी अ पब्लिक सर्वेंट, ऐसा शख्स जो कि अपने आप को आने वाले दिनों में उम्मीद रखता हो कि वो सरकारी मुलाजिम हो जाएगा। इफ अ पर्सन इज नॉट एक्सपेक्टिंग टू बी इन द ऑफिस ऑब्टेन अ ग्रेटिफिकेशन बाय डिसीविंग अदर इन टू बिलीव दैट ही इज अबाउट टू बी इन ऑफिस एंड दैट ही विल देन सर्व देम, he may be guilty of the cheating but he is not the guilty of the offense defined in this section। एक तो ये होता है कि किसी शख्स ने किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रखा होता है और उसको पता होता है, उसने वो प्रोसीजर को क्वालिफाई कर लिया होता है, तो उसको पता होता है कि आने वाले 10 15 20 दिन एक महीना दो महीने में मैं गवर्नमेंट सर्वेंट डिक्लेयर हो जाऊंगा। उस सूरत हाल में किसी से कोई शय वसूल कर लेना, कोई एवज ले लेना कि मैं आपका काम करके दूंगा आने वाले दिन, तो ये तो जनरल केस है। ऐसे शख्स को सजा मिलेगी 161 के तहत। लेकिन कोई ऐसा शख्स जो कि अपने आप को ये न समझता हो कि आई विल बी सिलेक्टेड एज गवर्नमेंट सर्वेंट और ही हैज नॉट येट अप्लाइड फॉर बिकमिंग अ गवर्नमेंट सर्वेंट, वो झूठ बोलता है किसी को,
धोखा देता है, तो फिर इसी पीपीसी में जो चीटिंग का सेक्शन है उसके तहत उसको सजा मिलेगी, इस 161 के तहत नहीं मिलेगी। ग्रेटिफिकेशन को यहाँ बयान किया गया क्या है, द वर्ड ग्रेटिफिकेशन इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू अ पेक्यूनरी ग्रेटिफिकेशन और टू द ग्रेटिफिकेशन एस्टिमेटेबल इन मनी। एक तो यहाँ पर लिखा गया कि सिर्फ और सिर्फ जरूरी नहीं है कि पेक्यूनरी कहते हैं कि मालियाती जो माल की लेन देन से मुताबिक हो, तो जरूरी नहीं है कि वो माल की लेन देन के हवाले से ही किसी को कुछ एवज या बदल ज्यादा दिया जाए। इसमें जो माल के अलावा दीगर तरीके हो सकते हैं जिसमें गुड्स हो सकती हैं, सर्विसेज हो सकती हैं, वो भी शामिल है। लीगल रिम्यूनरेशन, द वर्ड लीगल रिम्यूनरेशन आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू द रिम्यूनरेशन व्हिच अ पर्सन व्हिच अ पब्लिक सर्वेंट कैन लॉफुली डिमांड। इसमें सिर्फ और सिर्फ उस सरकारी मुलाजिम की वो तनख्वाह नहीं है जो महाना उसको मिलती है, बल्कि बट इंक्लूड ऑल द रिम्यूनरेशन व्हिच ही इज परमिटेड बाय द अथॉरिटी बाय व्हिच ही इज एम्प्लॉयड टू एक्सेप्ट, वो तमाम मराद और सहूलियात जो कि इस सीट के हवाले से इस शख्स को मिलनी थी, तमाम उस लीगल रिम्यूनरेशन का हिस्सा होगी। उम्मीद करता हूं कि आपको 161 अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। इसके क्रक्स में यह है कि अगर कोई सरकारी अफसर अपनी मौजूदा तनख्वाह के अलावा किसी को कोई काम करके देने के हवाले से कोई फालतू एवज मांगता है, और अगर वो बंदा भी सरकारी मुलाजिम नहीं है, उम्मीद है कि आने वाले दिनों में सरकारी मुलाजिम हो जाएगा, तब भी किसी से ऐसा फालतू पैसा मांगता है, कोई शय मांगता है, कोई खिदमत मांगता है, तो उसको 161 के तहत सजा दी जाएगी। और वो क्या है, 3 साल तक की कैद, जो कि सिंपल भी हो सकती है और रिगल भी हो सकती है और विद फाइन भी हो सकती है, विदाउट फाइन भी हो सकती है। अगर कभी भी किसी को कुछ समझ ना आई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मुझे इजाजत दीजिए। वस्सलाम।